नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? चेतराम दास। चेतराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खरगोन जिला मध्य प्रदेश से। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 29 जनवरी 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर 1994 से मैं गायत्री परिवार से लगा हुआ था सर। गायत्री परिवार का ही मंत्र जाप करता था। सर, आप 20 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में था, जिसमें गायत्री परिवार में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। परमात्मा की खोज में था, परमात्मा नहीं मिला। मेरी पुत्री है एक, जो रेखा रेखा नाम है उसका, वो कुछ समय पहले बरवाला आश्रम संत रामपाल जी की महाराज के आश्रम में गई थी और वहाँ से एक ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मुझे दी थी। जो पुस्तक मैं पढ़कर मैं भी परमात्मा की शरण में जाने के लिए तैयार हो गया और इसी बहाने में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम गया और वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो फिर सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, मेरी लड़की जो रेखा भगतमती है, उनको कैंसर की शिकायत थी, जो डॉक्टरों ने बता दिया था, पर मैंने और उसके परिवार ने उस लड़की को अभी तक कुछ नहीं बताया था कि आपको इस तरह से बीमारी है। और मैंने बम्बई तक इसका इलाज करवा लिया था। दो बार इनका ऑपरेशन भी हुआ था पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। इनको स्तन कैंसर था, मैंने दो बार इनको ऑपरेशन भी करवा लिया। मैंने मेरी लड़की का जो कैंसर का इलाज था बहुत जगह से करवाया, अनेक डॉक्टर के पास गया, पर सभी जगह निराशा ही नज़र आई मेरे को। कहीं से कहीं तक फायदा नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा दिलाई, तब से ना तो मैंने किसी प्रकार कोई डॉक्टर को दिखाया है उनको, ना किसी प्रकार की गोली दवाई दिलाई। जैसे ही नाम दीक्षा मात्र से ही, आशीर्वाद मात्र से ही उनकी कैंसर की बीमारी सभी प्रकार से ठीक है और आज भी कंप्लीट तंदुरुस्त हालत में है। मेरी बहन जो दुर्गा दासी है, उसको भी शुगर की बीमारी थी। शुगर उनको बहुत ज़्यादा थी, शुगर 400 450 के लगभग थी शुगर। उनको भी मैंने नाम दीक्षा दिलाई और तब से अभी तक ना तो किसी डॉक्टर के पास चेक करवाया मैंने और ना किसी प्रकार से गोली दवा दिलाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही वो ठीक है। सर, क्या पहले आप नशा भी करते थे? सर जी, मैं तंबाकू सुपारी का सेवन बहुत करता था, कभी कदार मैं बीड़ी सिगरेट भी पी लिया करता था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके नशे छूट गए? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे ही मैंने ली और मेरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन समाप्त हो गया। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी भी तंबाकू नहीं छोड़ सकता। मैं एक टाइम का खाना छोड़ सकता हूँ पर तंबाकू सुपारी नहीं छोड़ सकता। पर जैसे ही परमात्मा की दया हुई संत रामपाल जी महाराज की, आज तक मैंने तंबाकू को छुआ तक नहीं। सर, ये कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जिस नशे को पहले आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे थे? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में ही इतनी शक्ति है कि कोई भी किसी प्रकार का भी नशा करता हो या किसी प्रकार का विकार करता हो, वो समाप्त हो जाता है। उनके मंत्रों में ही इतनी शक्ति है। जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके नशा मुक्ति अभियान चला रही है, वो सफल नहीं हो पा रही है। और संत रामपाल जी महाराज अपने कुछ मंत्र देकर ही भारत को नशा मुक्त बनाने में सफल हो रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बेटी की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई। इसके अलावा आपकी बहन की शुगर की बीमारी भी ठीक हो गई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नशे से मुक्त किया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं सभी भक्त आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र परमात्मा की शरण में जाए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाए और मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, जो साधना चैनल टीवी पर चलता है, उसमें संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है, उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी पे नंबर दिए रहते हैं। उस नंबर से आप फोन करो और आपको जहाँ भी आपका सेंटर नज़दीक रहेगा, आपसे अवगत करा दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत सहे।